अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल जियर प्रोडक्ट। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइजिक इंस्टा साशे के बारे में, जो कि 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम में मौजूद होता है। व्यूवर्स, हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, और व्यूवर्स हम लोग बात कर लेंगे इसके यूजेस के बारे में कि इसका इस्तेमाल जो है वो हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करने से इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और व्यूवर्स हम लोग बात कर लेंगे इसकी कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में, और लास्ट पे हम लोग बात कर लेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं राइजिक इंस्टा साशे के बारे में। तो व्यूवर्स, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ओमिप्राजोल और सोडियम बाइकार्बोनेट है, और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल किया जाता है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में, यानी गर्ड में इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टमक और इंटेस्टाइनल अल्सर के इलाज के लिए, और व्यूवर्स हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मैदे की तजाबियत में, और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल किया जाता है अपसेट स्टमक में, यानी आपका अगर स्टमक अपसेट हो गया है, गैस की शिकायत आपको देखने को मिल रही है, तो व्यूवर्स इसका इस्तेमाल करने से आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकती है। और व्यूवर्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके साइड इफेक्ट में सबसे पहले व्यूवर्स आपको हेडेक की शिकायत देखने को मिल सकती है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है यानी एब्डोमिनल पेन, और व्यूवर्स आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जो है वो देखने को मिल सकती है, फ्लैचुलेंस की शिकायत जो है वो भी देखने को मिल सकती है। तो व्यूवर्स, ये हो गए इसके साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में। तो व्यूवर्स, इसमें अगर आप वारफरिन मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप राइजिक इंस्टा साशे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और व्यूवर्स अगर आप डाइजोक्सिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी आप इसका इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और व्यूवर्स, ये मेडिसिन इंट्रैक्ट करती है क्यूटोकोनाजोल और इंट्राकोनाजोल को, तो व्यूवर्स इसलिए आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कर लें, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, खुद से किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना किया करें। और व्यूवर्स, लास्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं राइजिक इंस्टा साशे की प्राइस के बारे में। तो व्यूवर्स, इसके जो 10 साशे हैं वो आपको 194 रुपीस में किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। तो व्यूवर्स, ये जो साशे होते हैं, ये आपने एक साशे को एक ग्लास पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करके इस साशे को आपने पीना होता है। आपने इस साशे को खाना खाने से एक घंटा पहले इस्तेमाल करना है, और व्यूवर्स आपने किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप मेडिसिन की एक्सपायरी डेट जो है वो जरूर चेक कर लिया करें। तो व्यूवर्स, इसी के साथ ही हम अपनी आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारा चैनल योर प्रोडक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।